वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ या स्किन केयर टिप्स, हाउ आई टेक केयर ऑफ माय स्किन, जो मैं फॉलो करती हूँ लाइक एवरी नाइट। जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, नॉट नेसेसरी आपको भी सेम प्रोडक्ट्स होना चाहिए। अगर नहीं है, इट्स ओके, यू कैन गो फॉर योर प्रोडक्ट और योर फेवरेट ब्रांड जो आपके स्किन के लिए सूटेबल है या आपके स्किन टाइप के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है और सब कोई स्किन केयर रूटीन शेयर कर रहे हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट, बिकॉज मैंने भी बहुत दिनों से कोई भी स्किन केयर रूटीन या हाउ टू टेक केयर स्किन और हेयर मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी व्लॉग्स भी बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल में। स्किन केयर इज़ नॉट अबाउट समथिंग कि आप सिर्फ फेस्टिव में करो या आपको कोई स्पेशल ओकेशन है तभी आप करो। मैं बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती डेली बेसिस पे, थोड़ा बहुत इधर उधर मैं DIY करती हूँ अपने स्किन के लिए और हेयर के लिए भी, जो वंस इन अ वीक में करती हूँ। अदरवाइज आई यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी शॉप, फ्रॉम लोटस। यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेकअप रिमूव करने के लिए पहले मैं यूज़ करूँगी गार्नियर माइसेला वाटर टू रिमूव ऑल ऑफ माई मेकअप। नॉर्मली कॉटन पैड में लेके मैं वाइप करूँगी अपने फेस पे ताकि वो पूरा जो भी मेकअप है वो रिमूव हो जाए कम्प्लीटली। If you are using any waterproof makeup, then also it works very good. तो भी बहुत अच्छे से आपका जो भी मेकअप है वो रिमूव हो जाता है। कोकोनट ऑयल यूज़ करके भी अब अपना मेकअप जो है रिमूव कर सकते हैं, पर अगर आपका पिम्पल प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है, देन प्लीज स्किप ऑयल। माइसेला वाटर यूज़ करने के बाद आपको फेस वॉश करने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट, यू कैन गो अहेड एंड वॉश योर फेस विद अ फेस वॉश, पर नॉट नेसेसरी। मैं अपने स्किन को एक्सफोलिएट करूँगी बाय यूजिंग विटामिन सी ग्लो रिवीलिंग लिक्विड पील फ्रॉम बॉडी शॉप। इसको मैंने अपने बॉडी शॉप हॉल के वीडियो में भी दिखाया है, इसका प्राइसिंग एंड ऑल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, मैंने DIY कॉफ़ी स्क्रब का वीडियो भी शेयर किया है, मैंने उसको लिंक में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। इट्स अ वेरी गुड स्क्रब, इट स्मेल्स सो गुड एंड इट डज ब्यूटिफुल जॉब। यू कैन सी द डर्ट, जो भी है वो आपको दिख रहा है मेरे हाथों में। फेस पे लगा के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो भी डेड स्किन है, डर्ट है, वो आ जाएगा एंड देन वॉश ऑफ विथ जस्ट नॉर्मल वाटर। पर एक बात सही है, आपको यूज़ करने के बाद तुरंत यू कैन फील कि आपका स्किन कितना सॉफ्ट हो गया है। मैं यूज़ करूँगी फेस शॉप का कैलेंडरा फेस मास्क। मैं हफ्ते में एक दिन यानी कि वीकेंड्स में एक बार मैं यूज़ करती हूँ। जिस दिन मैं फेस मास्क नहीं लगाती हूँ, आई डू अ मसाज। मैं प्रेजेंटली खादी का मसाज क्रीम यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी मसाज क्रीम हो, आप उसको यूज़ करके फेस को मसाज कर सकते हो बहुत इजीली। इसको बस पैकेट से निकाल के आपको फेस में ऐसे लगा के रखना है, जो मैंने ऑलमोस्ट 12 मिनट्स रखा था और आई थिंक आई लुक लाइक जेसन। इफ़ यू डोंट नो गाइस हु जेसन इज, सो दिस इज हु जेसन इज फ्रॉम द मूवी फ्राइडे द 13th। आई थिंक मैं कुछ कुछ उसी की तरह लग रही हूँ अभी। एनीवे, सो मैंने इसको लगा के रखा और बाय द टाइम मैंने कुछ कुछ किया जस्ट फॉर टाइम पास, और जो भी उसका एसेंस है आप उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ कर सकते हो। ये मेरा बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टेप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ बिफोर आई गो टू बेड। मैं इतना बोलना चाहूँगी, आप सिर्फ फेस्टिव के लिए, दुर्गा पूजा या शादी कुछ भी हो, इसके लिए मत कीजिए। ये आप रेगुलर करेंगे तो ग्लो हमेशा मेंटेन रहेगा। डोंट जस्ट डू इट फॉर द टाइम बीइंग, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको उतना दिखेगा नहीं आपके फेस में। और थ्रू आउट द ईयर अगर आप करेंगे लाइक एवरी डे रूटीन में अगर मेंटेन रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और आपके फेस पे वो दिखेगा। जो भी एसेंस अभी बाकी है वो मैं हल्के हाथों से फिंगर टिप से मसाज कर रही हूँ। आपको फेस बिल्कुल वॉश नहीं करना ताकि जो भी इसका बेनिफिट से आपको स्किन में कम्प्लीटली अब्जॉर्व हो जाए। उसको करने के बाद मैं अंडर आई जेल यूज़ करूँगी विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड बियर्डो।
आई नो दैट्स अ मेंस ब्रांड, जो विकास यूज़ कर रहा था मैंने इसका रिव्यूज़ पढ़ा, फिर उसके बाद ही हम लोगों ने ये ट्राई किया। इनिशियली इसको विकास ने यूज़ किया था, आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड ऑल्सो यूज़ इट, दो मेरे पास बॉडी शॉप का है, उप्स आई कांट ओपन इट, बॉडी शॉप का जो मैंने अंडर आई क्रीम यूज़ किया था इट वॉज ओके, बट इसको मैंने आई थिंक 3-4 दिन ही यूज़ किया, आई हैव सीन अ लिटल डिफरेंस। हम दोनों ही यूज़ करते हैं, यू कैन सी थोड़ा सा ये प्रोडक्ट एक्चुअली बाकी है, वी नीड टू बाय अ न्यू वन। मैंने डिफरेंस बहुत ही जल्दी, नॉट इवन अ वीक, सिर्फ इतना सा ही आपको प्रोडक्ट लगेगा एंड यू जस्ट नीड टू यूज इट, लाइक अप्लाई इट क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज बाई यूजिंग योर रिंग फिंगर। यू डोंट हैव टू मसाज इट, जस्ट हल्के से उसको लगा देना है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अनादर बॉडी शॉप का प्रोडक्ट जो है टी ट्री नाइट लोशन। इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा, मैं ये एवरी नाइट को लगाती हूँ, पर आज क्योंकि मैंने मास्क लगाया था तो उसका जो ऑयल है वो अभी मेरे स्किन पे है, वो ड्राई नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो मैं सारी रात उसको ऐसे ही रख दूँगी। जिस दिन मैं मास्क नहीं लगाती हूँ उस दिन मैं इसको लगा के फिर मैं सो जाती हूँ। इट हैज़ अ पम्प और बहुत ही कम प्रोडक्ट आपको लगता है, जस्ट अ ड्रॉप इज़ अनफ कि आप एक ड्रॉप अपने दोनों चिक्स पे, फोरहेड पे और चिन पे लगा लेते हो तो आपका पूरा फेस में कवर हो जाता है। योर कमेंट एज वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।